प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और मैं हूँ परशुराम। और कृपया आपने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाने से आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलेगी। मेरे YouTube चैनल के द्वारा कक्षा 7, 8, 9, 10 के हिंदी और सोशल साइंस के वीडियोज़ उपलब्ध है। आपके मन पसंदीद संबंधित वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और बच्चों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ 9वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी में एक तृतीय रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रिका के बारे में। यह एक वीडियो है। इस वीडियो के दौरान आपको प्रश्न पत्रिका का विन्यास, प्रश्नों के नमूने और एक नमूना प्रश्न पत्र के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त होती है। शुरू करेंगे यह एक तृतीय रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रिका के वीडियो। पहले निर्धारित पाठ्यक्रम पर एक नज़र डालेंगे। इस प्रश्न पत्रिका में 9वां पाठ है नफे के चक्कर में, 10वां पाठ है चलना हमारा काम है, 11वां पाठ है खेलो कूदो स्वस्थ रहो, और 12वां पाठ है सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। इन चार पाठों से मिलकर इस प्रश्न पत्रिका में प्रश्नों को निर्माण किया गया है। आगे है विभिन्न नमूने के प्रश्नों के अनुसार दिए गए अंक भारिता इस प्रकार है। इस प्रश्न पत्रिका में वस्तुनिष्ठ के लिए 9 अंक रखा गया है, लघु उत्तर के प्रश्नों के लिए 8 अंक है और दीर्घ उत्तर प्रश्नों के लिए 3 अंक रखा गया है। कुल मिलकर 20 अंकों की प्रश्न पत्रिका इस प्रकार आपको एक उपलब्धि परीक्षा के नमूने में निर्माण किया गया है। आगे पाठ के आधार पर अंक भारिता किस प्रकार है, यानी 9वें पाठ है जो नफे के चक्कर में पाठ के लिए 4 अंक दिया गया है, फिर 10वां पाठ चलना हमारा काम है के लिए 5 अंक है, खेलो कूदो स्वस्थ रहो के लिए 4 अंक है, सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा पाठ के लिए 4 अंक भारिता दिया गया है, और साथ ही साथ व्याकरण से 3 प्रकरणों को यानी 3 परिकल्पनाओं को उठाकर प्रश्नों को मेल किया गया है। चलिए प्रश्न पत्र इस प्रकार है। यह है 9वीं कक्षा के लिए प्रश्न पत्र और विषय है तृतीय भाषा हिंदी में, और गरिष्ठतम अंक है 20 और उत्तर लिखने के लिए समय का अवकाश है 60 मिनट यानी पूरी तरह से 1 घंटे। मुख्य प्रश्न एक है, सही उत्तर चुनकर आपको संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखना है। कुल मिलकर 3 प्रश्न है, हर एक के लिए 1 अंक और कुल 3 अंक है। पहला प्रश्न था कि पैसा वैसा इस प्रकार के शब्द के लिए उदाहरण है। पहला विकल्प द्विरुक्ति, दूसरा है शब्द युग्म, तीसरा है संकर या चौथा है शब्द निर्माण। प्रश्न दो है, माँ ने कहा - तुरंत तैयार हो जाओ। सही समुच्चय बोधक का प्रयोग होगा। पहला विकल्प है छोटी की, दूसरा विकल्प है बड़ी की, या तीसरा है ताकि, या चौथा और अंतिम विकल्प था कि और। सही विकल्प को चुनना है। तीसरा प्रश्न था, मुझे 100 रुपये चाहिए, किस प्रकार का वाक्य है। पहला विकल्प है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, या तीसरा है इच्छार्थक वाक्य, या चौथा है संकेतार्थक वाक्य, मुझे 100 रुपये चाहिए। सही विकल्प आपको क्रमाक्षर सहित लिखना है। आगे चलेंगे मुख्य प्रश्न दो पर। यह था, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए एक एक पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। कुल मिलकर 3 प्रश्न है, हर एक के लिए 1 अंक है। प्रश्न 4, बाजार में लोग क्या कर रहे थे। नफे के चक्कर में पाठ से प्रश्न था। और उसी प्रकार अगला जो 5वां प्रश्न है, किसकी गति रुकी नहीं है, यह चलना हमारा काम है पाठ से प्रश्न उठाया गया है। 6ठा प्रश्न था, खेलों की दुनिया कैसी है, खेलो कूदो स्वस्थ रहो, उस पाठ से इस प्रश्न को उठाया गया है। इस प्रकार कुल 3 प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना था।
अगला चलेंगे, आगे है मुख्य प्रश्न 3 पर अनुरूपता लिखना है। पहले दो शब्दों के संबंध को ग्रहण कर तीसरा शब्द का संबंध आपको लिखना है। प्रश्न 7 था काका काकी है फिर चाचा डैश, संबंध ग्रहण करिए, फिर बाद में आपको क्या करने की तीसरा उसी प्रकार का संबंधित शब्द आपको लिखना है, याद रखना है। 8वां प्रश्न है पैर पांव फिर सड़क डैश। 9वां प्रश्न था क्रिकेट मैदानी खेल है फिर कैरम डैश, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कोई कठिनाई की स्तर ज़्यादा नहीं है। आगे चलेंगे मुख्य प्रश्न 4 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखना है। कुल मिलकर 4 प्रश्न है, हर एक के लिए 2 अंक है, कुल 8 अंक के लिए भारिता है मुख्य प्रश्न 4 के लिए। 10वां प्रश्न था विभु क्यों चौक गया, आपको क्या करना था कि 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना था विभू क्यों चौक गया। आगे का प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, खेलों से क्या लाभ है, जो आप लोग खेल खेलते हो उन खेलों से क्या क्या लाभ है आपको क्या करने की 2-3 वाक्यों में लिखना है। प्रश्न संख्या 12 था चलना हमारा काम है कविता का आशय क्या है, आशय यानी उस कविता का उद्देश्य आपको क्या करने की लिखना है। अंतिम और इस मुख्य प्रश्न पर 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए अंतिम और 13वां प्रश्न था कि बाबू भाई ने किन किन से मदद मांगी, नफे के चक्कर में पाठ का प्रश्न है, बाबू भाई ने किन किन से मदद मांगी। आगे चलेंगे मुख्य प्रश्न 5 पर। एक ही प्रश्न है 3 अंक है और इसका जो प्रश्न का प्रश्न है कि भावार्थ लिखना है। पंक्ति थी मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, निराशा क्यों मुझे जीवन इसी का नाम है चलना हमारा काम है। इन काव्यांश के पंक्तियों के भावार्थ आपको लिखना है, चयन उद्देश्य और भावार्थ इन स्टेप्स को फॉलो कर लिखना है। छात्रों यहाँ तक मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि जो 9वीं कक्षा की तृतीय रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रिका के विन्यास और प्रश्नों के नमूने पर आपको प्राथमिक जानकारी उपलब्ध हुई है। जो वीडियो में प्रश्नों को निर्माण किया गया है बहुत ही सरल मध्यम और एवरेज के क्षेत्र से डिफ़िकल्टी लेवल के क्षेत्र से सभी प्रश्नों को बराबर यहाँ पर भारिता दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल को शेयर करने के लिए भी न भूलिए, क्योंकि यह जो वीडियो है छात्रों के लिए हो, अध्यापक गण के लिए हो और अभिभावकों के लिए भी प्राथमिक जानकारी प्राप्त करती है और इससे आपको परीक्षा में तैयारी करने के लिए भी एक मदद भी होती है। मेरे YouTube चैनल पर 430 से अधिक वीडियोज़ है, कक्षा 7, 8, 9, 10 NTSC, NMMS, SSLC पासिंग पैकेज के वीडियोज़ आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे बच्चों और भी नए अन्य वीडियोज़ों की सीरीज़ में, तब तक धन्यवाद।